जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सुनीति चौधरी और शांति घोष का कारनामा कि किस तरह से उन्होंने कोमिला के डीएम चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवेंस को मार डाला और फिर दोनों को सजा होती है। 1939 में वो रिहा होती हैं। और फिर हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाद का जीवन कैसे हुआ, क्या हुआ फिर उन दोनों का। तो हम लोग आज दोनों को जानते हैं। पहले हम लोग सुनीति चौधरी को देख लेते हैं। 22 मई 1917 को जन्म हुआ था सुनीति चौधरी का। 22 मई 1917 को जन्म हुआ था सुनीति चौधरी का कोमिला में ही। पिता का नाम था उमा शरण चौधरी। अब हम लोग जो कहानी आगे जानेंगे वो सुनीति चौधरी की बेटी भारती सेन ने जो बताया है अपनी माँ से बातचीत के आधार पर, अपनी माँ की यादों के बताई गई बातों को याद करके उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। सेन बताती हैं कि सुनीति चौधरी से कभी ये पूछा गया कि आपने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आप तो बहुत ही आपने विशिष्ट सेवा की है देश की, तो वो हमेशा कहती थी कि उन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं किया जिसे खास कहा जा सके या कुछ भी ऐसा नहीं किया। देश के लिए जो एक हिंदुस्तानी का फर्ज होता है वो उन्होंने निभाया। ये खुशी की बात है कि उन्हें देश सेवा करने का मौका मिला, लेकिन इससे अधिक उन्होंने और कुछ भी नहीं किया। भारती सेन बताती हैं कि उनकी माँ से लोग पूछा करते थे कि एक इंसान की हत्या का उन्हें पछतावा है या नहीं, आपने एक इंसान की हत्या की थी, तो सुनीति चौधरी इसका जवाब देती थी कि बंगाली में दो शब्द हैं अलग अलग, हत्या और वध। हम लोग हमेशा कहते हैं कि माँ दुर्गा ने असुरों का वध किया था, यह कभी नहीं कहते कि माँ दुर्गा ने असुरों की हत्या की थी। तो उसी तरह से हमने उस डीएम का वध किया था, हमने हत्या किसी की नहीं की, हमने किसी इंसान की हत्या नहीं की, ये कहती थी सुनीति चौधरी। जब जेल से सुनीति चौधरी निकली तो घर की हालत बहुत अधिक खराब थी। सुनीति चौधरी के पिता सरकारी सर्विस कर चुके थे, सरकारी नौकरी कर चुके थे, मतलब ब्रिटिश सरकार के किसी ये में काम कर चुके थे और उन्हें पेंशन मिलती थी। लेकिन जब सुनीति चौधरी ने ये काम किया, ये जो डीएम वाला एक्शन किया, इसके बाद सरकार ने उनकी पेंशन बंद कर दी। तो इस वजह से उनका पूरी तरह से घर आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, घर में एकदम खाने के लाले पड़े हुए थे। और सुनीति चौधरी का बड़ा भाई टीबी की बीमारी से मर गए, पैसे नहीं थे कि इलाज कराया जा सकता था। उससे भी बड़ी बात थी कि अब कोलकाता में इनका कोई घर नहीं था, कहीं रहने का ठिकाना नहीं था। और सुनीति चौधरी चाहती थी कि अपनी वो बची हुई पढ़ाई आगे जारी रखे और वो पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बने। तो सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर तब बनिएगा, सबसे पहले तो आपके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो उसी दौरान बीना दास की बड़ी बहन कल्याणी दास आश्रयहीनों के लिए, बेघरों के लिए एक घर चला रही थी, एक घर का संचालन कर रही थी। अभी जो अनाथालय या स्टे होम या इस टाइप का जो चीज होती है ना, तो उसी तरह से कल्याणी दास स्टे होम कह लीजिए, महिलाओं के लिए एक तरह से जो बेघर महिलाएं हैं उन लोगों के लिए संचालित कर रही थी। बीना दास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बीना दास भी एक नामचीन क्रांतिकारी रही हैं भारतीय महिलाओं में, उनका भी नाम हमेशा आदर से लिया जाना चाहिए। यह और बात है कि हमने जैसे सुनीति चौधरी, शांति घोष वगैरह को भुला दिया, उसी तरह से बीना दास को भी भुला दिया। बीना दास पर चर्चा फिर कभी अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तिलजाला में कल्याणी दास जो बीना दास की बड़ी बहन थी वो उस तरह से स्टे होम चला रही थी। सुनीति चौधरी को ये मालूम हुआ और वो वहीं तिलजला के उस आस जो आवास था उसमें वो जा करके वहाँ रहने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध का जब साया मंडराने लगा पूरी दुनिया पर, तो उस स्थिति में बंगाल में एक खास तरह की परीक्षा का आयोजन किया गया। उसमें था कि अब चूंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और साल दो साल चार साल ये पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, आप समझ लीजिए कि 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला है, तो अब ऐसी स्थिति में ये था कि विश्व युद्ध में स्कूल कॉलेज बंद होंगे, तो एक एक परीक्षा ली गई कि और सीधे कहा गया कि प्रमोट कर दिया जाएगा। तो उस परीक्षा में सुनीति चौधरी भी बैठी और
वो प्रथम श्रेणी से वो परीक्षा पास कर गई और सीधे नवीं कक्षा में प्रमोट कर दी गई। तो इस तरह से अब उनकी पढ़ाई आगे की शुरू हो गई। जब बमबारी होने लगी कोलकाता पर भी या उसके आसपास बंदरगाह पर बम बरसे, तो सभी को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर स्टूडेंट वगैरह पहुँचाया गया। कहिए कि स्कूल कॉलेज लगभग बंद कर दिए गए थे, तो वो रह रही थी, वो जो मकान है आश्रय स्टे होम जो खुला था वहाँ पर वो अभी रह रही थी। तो सुनीति चौधरी चली गई और रहने लगी अभी तक तिलजाला में जो मकान था कल्याणी दास का वहाँ पर। वहाँ से यहाँ फिर जब कोलकाता में स्कूल खुले तो सुनीति चौधरी का दाखिला हो गया आशुतोष कॉलेज में, और तिलजाला से आशुतोष कॉलेज प्रतिदिन सुनीति चौधरी पैदल आया जाया करती थी, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। 10 किलोमीटर की लगभग दूरी थी और वो 10 किलोमीटर की दूरी डेली अप डाउन मतलब 20 किलोमीटर लगभग हो गया, ये पूरा वो आना जाना करती थी पैदल ही। लेकिन पढ़ना वो जानती थी कि जरूरी है, पढ़ करके ही आगे कुछ हम कर पाएंगे और डॉक्टर बनने का सपना जो दिमाग में चल रहा था उसमें कुछ कर पाएंगे। एक और परेशानी थी कि साइंस की पढ़ाई ये कर रही थी, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, और इनको गाइड करने वाला तिलजाला वाले मकान में कोई नहीं था कि जो इन्हें बता सके सिखा सके। पढ़ाई तो काफ़ी हद तक डैमेज हुई थी जेल में रही तो उस स्थिति में इनके एक रिश्तेदार ने कोलकाता के एक व्यक्ति से परेशानी कही, सुनीति चौधरी के बारे में बताया। सुनीति चौधरी के रिश्तेदार ने जिनसे सुनीति चौधरी के बारे में बताया वो उनका नाम था प्रद्योत कुमार। प्रद्योत कुमार का कोलकाता में बड़ा सा मकान था और सुनीति चौधरी की कहानी जब उस परिवार ने सुनी तो कहा कि ठीक है आ जाओ यहीं रह करके पढ़ाई करो, और इस तरह से कोलकाता में रहने की व्यवस्था हो गई। और सबसे बड़ी जो मदद मिली वो ये कि प्रद्योत कुमार की बहन खुद ग्रेजुएट थी तो वो अंग्रेजी पढ़ाने लगी सुनीति चौधरी को, और ये साइंस के स्टूडेंट रह चुके थे प्रद्योत कुमार, तो गणित और विज्ञान प्रद्योत कुमार उन्हें पढ़ाने लगे। यहीं पर दोनों में प्यार भी हुआ और सुनीति चौधरी की फिर शादी हुई प्रद्योत कुमार से, यानी जिस भारती से हम लोग बात कर रहे हैं उनके पिता प्रद्योत कुमार थे, जिनके घर सुनीति चौधरी आकर के रहने लगी। सुनीति चौधरी तो माँ थी ही। तो अब हम लोग फिर से आते हैं कहानी पर। सुनीति चौधरी की शादी हो गई, वहां पर रह रही थी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की लेकिन बहुत अच्छे अंक नहीं आए। नहीं अच्छे अंक आने का कारण ये रहा कि समय पर वो कहाँ कुछ फीस नहीं भर पाई थी, और इस कारण उनका जो अनुपस्थिति कुछ अधिक ही थी, मतलब क्लास में जितना उपस्थित होना था उस हिसाब से वो उपस्थित नहीं हो सकी। तो दिक्कत होने लगी आगे किसी बढ़िया जगह पढ़ाई करने में, मेडिकल की पढ़ाई करने में। तब उस स्थिति में सुनीति चौधरी ने रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, और उस समय उसका नाम रतन सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था, आज़ादी के बाद ये नाम हुआ। उस समय उस कॉलेज का नाम था कैंपबेल मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पर और उन्होंने अपना कोर्स किया और एमबी कर लिया। आज जो हम लोग एमबीबीएस कहते हैं वो तब नहीं हुआ करता था। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी का ये जो आज जो फंडा चल रहा है वो बैचलर ऑफ मेडिसिन कहलाता था और एमबी का सिर्फ कोर्स कहलाता था। तो वो एमबी आज के एमबीबीएस के पैरेलल इक्वल वो उन्होंने कर लिया सुनीति चौधरी ने, और इस तरह से वो एक डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद सुनीति चौधरी को चंदन नगर अस्पताल में काम मिल गया और वहां पर वो नौकरी करने लगी। चंदन नगर उस समय फ्रांस का एक औपनिवेशिक कॉलोनी हुआ करता था, मतलब फ्रांस के अधीन था चंदन नगर। बाद में चंदन नगर जब आजाद हुआ तो वो पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया, और इस तरह से पश्चिम बंगाल में शामिल हो गया चंदन नगर। तो इनकी नौकरी अब पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन आ गई। जिस अस्पताल में ये चंदन नगर अस्पताल में जहां ये काम कर रही थी वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कामचोर थे या ठीक ढंग से काम नहीं करते थे, और उनके खिलाफ ये लोग आवाज उठाते थे, पति पत्नी दोनों, प्रद्योत कुमार भी और सुनीति चौधरी भी। प्रद्योत कुमार ने कुछ के खिलाफ, कुछ नर्सों के खिलाफ चिट्ठी भी लिखती थी, लेकिन परिणाम ये हुआ कि वहां से ट्रांसफर कर दिया गया सुनीति चौधरी का। सुनीति चौधरी इसके खिलाफ कोर्ट में भी गई। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के लिए एक सादर संदेश।
अजय मुखर्जी जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फिर से सुनीति चौधरी को वहां पर बहाल करने का ये प्रस्ताव रखा, लेकिन सुनीति चौधरी तब तक उब गई थी, उन्होंने सीधे इनकार कर दिया नौकरी करने से और अपना नर्सिंग होम खोल लिया। इसके साथ ही एक जरूरी बात यह भी जान लीजिए कि आज जब मुखिया और पंचायत के चुनाव में क्या हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। 1952 में सुनीति चौधरी से संपर्क किया कांग्रेस ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने, दोनों ने ही, कि आप आइए और चुनाव लड़िए, लेकिन सुनीति चौधरी ने दोनों को इनकार कर दिया, कहा कि वह डॉक्टर हैं, नेता नहीं हैं। साथ ही सुनीति चौधरी ने पूरे जीवन कभी भी स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन भी नहीं लिया। जब इनके पास ये सब कुछ आया कि आपको मिलना है, तो उन्होंने कहा कि मैंने पेंशन के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था, मैंने जो कुछ भी किया था वो पैसे के लिए नहीं किया था, और पूरी जिंदगी कभी उन्होंने पैसा लिया भी नहीं स्वतंत्रता सेनानी होने का। 12 जनवरी 1988 को सुनीति चौधरी का निधन हो गया और इस तरह से वो महान वीरांगना हमारे बीच से चली गई, जिन्हें हम कभी याद भी नहीं करते। आपको ये इसलिए ये सब कुछ द फ्रीडम पर बताया जा रहा है ताकि कम से कम उन लोगों को याद रखें, जानें कि हमारे क्रांतिकारी किस तरह के थे, कौन थे, कितनी बहादुरी के साथ लड़े, किस तरह से अपनी जान पर खेल करके इस देश को आजाद कराया है। अब हम लोग आते हैं शांति घोष के किस्से पर। शांति घोष का जन्म हुआ था 22 नवंबर 1916 को कलकत्ता में ही। शांति घोष के पिता देवेंद्रनाथ घोष रहने वाले थे बारिसाल जिला के और कोमिला के विक्टोरिया कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। पढ़ाई के दौरान ही शांति अपनी एक सीनियर जिनका नाम था प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मा, उनके जरिए युगांतर पार्टी से जुड़ी। 1931 में शांति घोष गर्ल्स स्टूडेंट्स यूनियन की संस्थापक सदस्य थी और बाद में फिर उसकी सचिव भी बनी। जेल से रिहा होने के बाद शांति घोष ने भी फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। बंगाली महिला कॉलेज में उनकी पढ़ाई शुरू हुई। अपनी उस पढ़ाई लिखाई के दौरान ही शांति घोष भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ी। बाद में शांति घोष कांग्रेस में शामिल हो गई। 1942 में शांति घोष ने शादी कर ली जो एक क्रांतिकारी रह चुके थे, नाम था उनका प्रोफेसर चितरंजन दास। वो कांग्रेस वाले जो पुराने चितरंजन दास थे जिन्हें देशबंधु का नाम से जाना जाता है, उनकी बात नहीं हो रही है, ये चितरंजन दास अलग हैं, क्रांतिकारी रहे थे। प्रोफेसर चितरंजन दास से शांति घोष ने शादी कर ली। बाद में शांति घोष कांग्रेस की तरफ से बंगाल में MLC रही दो बार और एक बार विधायक भी चुनी गई। शांति घोष ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, उस आत्मकथा का नाम उन्होंने दिया अरुण बहनी, ये उस किताब का नाम है जो उनकी आत्मकथा है। और फिर इस महान वीरांगना का 28 मार्च 1989 को निधन हो गया। सुनीति चौधरी और शांति घोष पूरी जिंदगी एक दूसरे की अच्छी दोस्त बनी रही, एक दूसरे के साथ यहाँ आना जाना, साथ में समय बिताना, ये रहा चूंकि जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा, सबसे बड़ा एक्शन उन्होंने साथ मिलकर कहा, अब साथ मिलकर के किया था। और इस तरह से दोनों सगी बहनों से दोनों के बीच संबंध बना रहा, दोनों पक्की सहेली थी और जब तक कि मौत ने एक दूसरे को जुदा नहीं कर दिया तब तक वो हमेशा साथ ही रही। सुनीति चौधरी और शांति घोष के एक्शन पर एक फिल्म भी बनी, ये मदर, फिल्म का नाम है ये मदर। तो साथियों, ये था सुनीति चौधरी और शांति घोष का जीवन, क्या हुआ उस एक्शन के बाद, जेल से निकलने के बाद। हम लोग आगे भी दूसरे क्रांतिकारियों के बारे में इसी तरह से जानते रहेंगे। जुड़े रहिए द फ्रीडम के साथ और सबसे बड़ा आपका सहयोग ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक फ्रीडम फाइटर्स की ये कहानियों को पहुंचाइए कि किस तरह से हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।